तो ये समझिए, एक बात बताइए, साहब ने बोला कि संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आप किसकी विचारधाराओं को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको सब जनमानस आपको समर्थन में खड़ा नजर आए? मैं सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि जब संविधान बना, महान पुरुषों को लेकर आप इस मंच से लेकर चल रहे हैं, वो बताएं। सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, वो हमारे जो भी हैं वही हैं, या गुरु हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, क्योंकि वहां पर कभी कोई पार्टी आती है इस देश के अंदर तो ऐसा कौन सा काम करेंगे जो आज तक 70 और 71 साल के अंदर नहीं हो पाया। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हर नागरिक को 15,000 रुपए महीना पक्का करेंगे और एक ऐसा कार्ड बनाएंगे हम लोग जो बचपन से ही उसके लिए योग्य रहेगा, आधार कार्ड की तरह जैसे ही उसका जन्म होगा उसका कार्ड बन जाएगा और जितनी भी उसकी फैसिलिटीज हैं उसकी उम्र के हिसाब से उस कार्ड में जुड़ती चली जाएंगी अपने आप और उसको सभी सुविधाएं उसके घर पर मिलेंगी, उसको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसको कहीं पर जाके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा, उसको कहीं पर भी जाके अपना पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ेगा, उसको सभी सुविधाएं उसके पास मिलेंगी। और एक और खास बात मैं बोलना चाहूंगा कि नेताओं की सुविधाओं में कटौती करेंगे हम जी, क्योंकि नेता टैक्स का 18 अरब रुपया साल का नेताओं के खाते में जाता है जो आम जनता का है, ये कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी नेताओं की नहीं है लेकिन ये हमारी गाड़ी कमाई का, हमारी सुनिए एक मिनट, हमारी गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे को खाते हैं लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 1947 से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए, अब तक जितने राष्ट्रपति, जितने वित्त मंत्री, सबको मैं दोषी मानता हूँ, ये जनता का इन लोगों ने खून पिया है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आपके मीडिया पे बोल रहा हूँ, इनको चाहिए था ये सेवादार बन के रहते लेकिन ये बन के क्या रहे, ये बन के रहे लुटेरे, ये बन के रहे डकैत, इन्होंने देश के नागरिकों का हक लूटा है और हम इसको बदलेंगे, जिन लोगों ने देश का हक लूटा है हम उस हक को वापस लेंगे और जनता में बांटेंगे। आप थे हमारे साहब सिंह साहब जी जिन्होंने ह्यूमन राइट डे पे उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी बना के अपने लोगों को लेकर और अपने पूरे देश के पूरे भारत के लोगों को लेकर हम लोग इस मंच पे लड़ाई लड़ेंगे और इस मंच से पूरे भारत के लोगों को एकत्रित करके आगे बढ़ेंगे और जो काम आज तक 71 साल में बीजेपी कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई हैं वो सारी पार्टियों को हम लोग एक तरफ करके अपनी पार्टी को आगे करेंगे। धन्यवाद साहब, SM News से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।